हेलो स्टूडेंट्स, सो आज का हमारे पास टॉपिक है न्यूक्लियस। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सभी बच्चों को पता है कि जैसे लास्ट वाली वीडियो में हमने वैक्यूल्स का टॉपिक किया था, तो वहाँ पर हमने क्या डिपिक्ट किया था कि जो वैक्यूल्स हैं जो सेल के अंदर कहाँ पर होते हैं, ठीक है जी, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल। लेकिन जब हम बात करेंगे न्यूक्लियस की, तो जैसे हमारे पास दो सेल्स हैं, ठीक है जी, और ये है हमारे पास जो फर्स्ट वन होगा, सपोज ये एनिमल है और ये वाला कौन सा सेल है हमारे पास, प्लांट सेल है, ठीक है। तो एनिमल सेल में आपने देखा होगा जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो प्लांट सेल है वहां पर एक तो बड़े वाला क्या होता है, वैक्यूल होता है, और साइड में क्या होएगा, न्यूक्लियस होएगा। तो सभी बच्चों को पता है जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या चीजें होती है, क्रोमोजोम होते हैं। जैसे ये न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्या होएंगे, क्रोमोजोम होएंगे, ठीक है जी। और क्रोमोजोम के ऊपर क्या पड़ा होता है, जीन्स पड़े होते हैं, डीएनए होता है, ठीक है। और इसकी वजह से जो करेक्टर्स होते हैं, जो गुण होते हैं, फीचर्स होते हैं, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग पास होते हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे हमारे पास ये डायग्राम है न्यूक्लियस का, सबसे पहले हम डायग्राम को देख लेंगे। तो अब देखो बच्चे, यहाँ पर न्यूक्लियस के डायग्राम में भी इसकी दो मेम्ब्रेन होंगी, आउटर और इनर मेम्ब्रेन, ये बाहर वाली और इनर वाली। तो आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, राइबोसोम पड़ा हुआ है, और ये लंबे लंबे क्या पड़े हैं, क्रोमैटिन, और वी कैन से क्रोमोजोम। तो ये दो जो है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरह की यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शंस होंगी, कौन सी, अब ये देखो, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन एंड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, दिस वन प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और ये डॉट डॉट, जैसे ये वाला ही है, जैसे ये क्रोमोजोम है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। यहाँ पर लैमिना है, और आप ये डार्क कलर का आप देख सकते हो हर एक के नीचे, दैट इज कॉल्ड एज हेट्रोक्रोमैटिन, ठीक है। और डॉट डॉट जो स्ट्रक्चर जो है दैट इज कॉल्ड एज कैरोलिंफ। तो इसका स्ट्रक्चर करने से पहले हम इसकी थ्योरी करेंगे। अब देखो इसका, तो इसकी जो डिस्कवरी है बच्चे न्यूक्लियस की, किसने की, एंटन वन ल्यूवन हुक ने इन रेड ब्लड कॉर्पसल्स ऑफ फिशेस में की थी, इतना लिखोगे। उसके अलावा जो इसकी इंपॉर्टेंस है, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ऑल यूकैरियोटिक सेल, जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस होता है। लेकिन अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, वहाँ पर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, वहाँ पर किसकी प्रेजेंट होगी, न्यूक्लाइड की इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लाइड बच्चे, न्यूक्लियस कौन सा होता है, जहाँ पर जैसे ये न्यूक्लियस है जिसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, लेकिन जो न्यूक्लाइड हो उसकी कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। जैसे ये न्यूक्लाइड बना रही हूँ मैं, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लाइड, इसकी जो सराउंडिंग कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, सो दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लाइड। तो जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होएगा, न्यूक्लियस, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, उसमें क्या होता है, न्यूक्लाइड होता है। ये हो गया। उसके बाद इसका नंबर, कि जो न्यूक्लियस का नंबर कितना है, जैसे यूनि न्यूक्लियट एक न्यूक्लियस होएगा, बाई मीन्स टू दो न्यूक्लियस होंगे, मल्टी मीन्स मैनी बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, तो इसका आप नंबर काट सकते हो। नेक्स्ट वन इसकी पोजीशन, तो पोजीशन बच्चे आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो इसकी पोजीशन कैसी होती है, ठीक है। कुछ सेल्स में इसकी जो पोजीशन होगी फिक्स्ड होगी, मीन्स नियर द सेंटर, लेकिन कुछ सेल में साइड में होगी इसकी पोजीशन। तो उसकी जो फॉर्म है बच्चे, हेयर आर द डिफरेंट शेप्स ऑफ न्यूक्लियस। तो आप बच्चे, आप सिंपल जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम देना है, ठीक है, कोई भी एंट्रेंस टेस्ट देना है, तो उसको, उन स्टूडेंट्स के लिए आपको ये सारे के सारे डायग्राम लर्न करने ज़रूरी हैं, ये वाले। तो नेक्स्ट है इसका साइज, तो साइज जो है बच्चे वेरी करेगा, ठीक है जी, क्योंकि इसका जो साइज है वो सिमिलर नहीं होता सेल टू सेल या स्पीशीज टू स्पीशीज, जो इसका जो साइज है वो वेरी करेगा, डिफरेंट होएगा। तो नेक्स्ट है इसका ग्रॉस स्ट्रक्चर, जो इसका न्यूक्लियस का, तो द न्यूक्लियस टिपिकली कंसिस्ट ऑफ फाइव टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स, इसके अंदर फाइव टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स होती हैं। सो इट इज बाउंडेड बाय अ थिन न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है जी, जो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर एनवेलप, और वी कैन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो नेक्स्ट है इसमें अंदर, तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन कंटेनिंग फाइब्रिल्स होते हैं जिसको हम न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके अलावा जो इसकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जैसे आप अंडरलाइन कर सकते हो, 80% प्रोटीन होंगे, 12% डीएनए होएगा, 5% आरएनए होएगा, 3% लिपिड्स होंगे। तो बच्चे आपने इतना ही करना है, इसके अंदर जो आप केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में लिख दोगे कि कौन सी चीज़ें कितनी कितनी प्रेजेंट होती हैं, और जो प्रोटीन्स होते हैं, हियर द प्रोटीन्स इंक्लूड एंजाइम्स
सच एज पॉलीमरेज़ एंजाइम विच हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। बच्चे प्लस टू क्लास में आप प्रॉपर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पढ़ोगे और वहां पर आप द मोस्ट फेमस एंजाइम के बारे में पढ़ोगे, दैट इज पॉलीमरेज़ एंजाइम। तो आप यहीं पर ही लर्न कर लो कि पॉलीमरेज़ नेम का एक एंजाइम है जो डीएनए और आरएनए बनाने में हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट है इसके फंक्शंस कि न्यूक्लियस क्या क्या फंक्शन प्ले करेगा। तो सबसे पहले है सेल मेंटेनेंस एंड ग्रोथ, सेल को मेंटेन और सेल की ग्रोथ करने में हेल्प करेगा न्यूक्लियस। उसके बाद है सेल मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मींस कि सेल के अंदर कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म मतलब किस चीज़ को बनना और किसी चीज़ का टूटना, बिल्डिंग अप एंड ब्रेक डाउन में हेल्प करेगा, फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन्स। उसके बाद है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है फॉर रिप्रोडक्शन डिवेलपमेंट बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। उसके बाद सेल्फ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन मीन्स सेम कॉपी बनना। तो न्यूक्लियस ब्रिंग्स अबाउट द सेल्फ रेप्लिकेशन व्हेन नीडेड, जब इसकी ज़रूरत हो सेल रेप्लिकेशन में उसके हेल्प करेगा। तो याद रखना रेप्लिकेशन मीन्स सेम कॉपी का बनना। उसके अलावा किस में हेल्प करेगा, राइबोसोम बनाने में, ठीक है जी। वेरिएशंस मीन चेंजेस लेके आने में, जिसकी हेल्प से किसकी फॉर्मेशन होएगी, क्या होएगा, एवोल्यूशन होएगा, विकास होएगा। तो सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प करेगा। तो बच्चे जो मेन है इसके जो पॉइंट्स है आपने अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि न्यूक्लियस के कौन से फंक्शंस होते हैं। तो बच्चे ये है हमारे पास न्यूक्लियस का डायग्राम। तो आपने प्रॉपर वे में इसका डायग्राम लर्न करना है, लर्न करनी है, और इसकी जो डिस्कवरी है एक एक दो दो लाइन में आप इसकी फॉर्म नंबर साइज लिख सकते हो। थैंक यू।